अनुपमा की मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब वनराज तो यहाँ अपने घर वालों को पेपर को साइन करवा भी लेता है, लेकिन एक्सीडेंट के कारण जो तमाशा क्रिएट होता है ना, यहाँ पे अनुज की लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। वो सब कुछ खो करके एक पागल सा बन जाता है। अनुपमा का जो नया शुरुआत होता है जो सोच में काफी कॉम्प्लिकेटेड बनती है, क्योंकि जब सभी लोग गए होते हैं बाबूजी को मनाने के लिए तो वो साथ आने से तो मना कर देते हैं। वो वनराज को सबसे बोल देते हैं कि वापस आना नहीं चाहते। वनराज घर आता है तो बहुत परेशान होता है, घर वालों को समझा देता है कि कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा, बाबूजी वापस आना नहीं चाहते, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। अब देखो वाकई में ये बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने परिवार के बारे में भी ये सोच रहा है, अपने बच्चों की चिंता इसे कहने की परेशान कर रही होते। हालांकि अनुपमा यहाँ आने के बाद में वो साफ स्टैंड ये लेती है कि वो एनओसी पर साइन नहीं करेगी, वो पेपर पर साइन नहीं करेगी, जो वनराज चाहता है वो कभी होने नहीं देगी। अपनी काल रुद्र में होता है, वो पूरी तरीके से अनुपमा को धमकाने लगता है, वो बहुत गुस्सा करता है। फैमिली की तो चिंता है नहीं, तुमने आज तक अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया और अब तुम यहाँ क्या देने आई हो। वो कहीं ना कहीं अनुज को भी समझा देता है कि प्लीज इसे लेकर के जाओ तुम यहाँ से, अब पेपर साइन करवाना है और पेपर साइन करवाने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। हालांकि बाद में अनुपमा हार जाती है और चीजें यहाँ से बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, क्योंकि फैमिली के दुख कहने के अनुपमा को भी बहुत परेशान करती है। और यहाँ जो अध्याय सब चीजों को देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है अनुपमा के लिए, लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड तब बन जाती है गुरुदेव जब यहाँ से स्टोरी में बहुत बड़ी लीप आती है, क्योंकि यहाँ से स्टोरी डाइवर्ट हो जाती है पूरी तरीके से। अनुपमा जो फिर से आश्रम को ज्वाइन कर लेती है, वहीं अनुज की जिंदगी पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। वो अपने दास को खो करके बस चीज को याद करता है तो वो सिर्फ अनुपमा ही होती है, लेकिन ये किस स्थान पे है, कहाँ है, इससे कुछ भी याद नहीं है, सब कुछ भूल चुका है, बिजनेस बर्बाद हो चुके हैं और ये पागल हादसा प्यासा ये घूम रहा है राहों पे भटकते हुए, जहाँ ना ही इसका कोई अपना है ना ही ये किसी को जानता है। सब कुछ खोने के बाद में जीरो से शुरुआत करना ये पागल जैसा बन चुका होता है, और अभी से कुछ पता भी तो नहीं है ना। हालांकि बाद में अनुपमा से जब इसकी मुलाकात तो एक अनजान के रूप में मिलेगी, और हो सकता है कि ये डायरेक्ट अनुपमा के आश्रम ही पहुंचा जहां पे मुलाकात समझो की सेवा करते हुए अनुपमा की होगी, क्योंकि शादी के बीच में तमाशा क्रिएट होना लाजमी है और वहां पे ये देखने को मिलेगा भी। तो तमाशा गुरु लो बवाल होगा, क्योंकि भाई अभी तो स्टार्ट हुई है स्टोरी लाइन, हो सकता है कि ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो तो इसमें कुछ नए प्लॉट्स हमें देखने को मिलेंगे जो सच में काफी मजेदार होंगे।